जी हाँ, अगर आपका भी आईफोन 13 जो है, जी हाँ आईफोन 13 जो है भाई, वो एप्पल लोगों के ऊपर रुक जाता है और आप परेशान है कि भाई ये तो एप्पल लोगों के ऊपर रुक गया, अब क्या करूं, ना ही आगे जा रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपका भी आईफोन 13 जो है वो एप्पल लोगों के ऊपर जाकर स्टक हो जाता है तो आप कैसे जो है भाई उसे फिक्स कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर। तो जानने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल। जी हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए कि भाई हमारा आईफोन जो है वो एप्पल लोगों के ऊपर जाकर स्ट्रक हो जाता है, ना ही तो आगे जाता है, ना ही पीछे आता है, ना ही कुछ कर पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं, हम बहुत परेशान है। तो भाई कोई ऐसी वीडियो ही बना दो जिसकी मदद से जो है हम इस एरर को, इस प्रॉब्लम को, या इस स्टक जो हो जाता है ना, इसे फिक्स कर सके। तो आज इस वीडियो के अंदर आपका भाई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे रस्ते लेकर आ चुका है जिसकी मदद से आप भाई एप्पल लोगो जो स्टक हो जाता है उसे फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड आ जाता है, आपने अब निकाल लेना है अपना मोबाइल फोन, ठीक है। तो आपने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले फोर्स रीस्टार्ट करना है। भाई फोर्स रीस्टार्ट कैसे करते हैं आईफोन को, तो ऐसे में आपने करना क्या, सिंपली चले जाना है भाई जी मोबाइल फोन के अंदर। जी हाँ, ऐसे मोबाइल फोन पकड़ लेना है और आपने जो है वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, जी हाँ वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन जो है ना वो दबाना है। वो कैसे कैसे दबाना है, सबसे पहले जो है हल्का सा आपने वॉल्यूम अप बटन जो है वो दबा के रखना, 1-2 सेकंड दबा के एकदम रिलीज कर देना, और उसके बाद जो है आपने वॉल्यूम डाउन बटन जो है 1-2 सेकंड दबा के रिलीज कर देना, और उसके बाद जो है सिंपली आपने पावर बटन जो है वो दबा के रखना है तब तक जब तक भाई आपका एप्पल लोगो नहीं आ जाता। जैसे ही आपका एप्पल लोगो आ जाएगा आपका मोबाइल फोन जो है वो फोर्स रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ये चीज देखना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो एप्पल लोगो से आगे गया है कि नहीं, ये एरर फिक्स हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो चलते हैं दूसरे मेथड के ऊपर। तो नुमान भाई, हमने अपना मोबाइल फोन जो है वो फोर्स रीस्टार्ट भी कर लिया लेकिन फिर भी हमारा आईफोन जो है ना वो एप्पल लोगो से आगे नहीं जा रहा, तो ऐसे में क्या करें भाई, बता ही दें। तो ऐसे में आपने सिंपली करना क्या है, अब आपने भैया जी अपने मोबाइल फोन को जो है वो अपडेट करना है। इसके लिए आपने जो है भाई लगा लेना एप्पल चार्जर, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एप्पल वो चार्जर लगा देना और iTunes के साथ जो है वो कनेक्ट कर देना, यानी कि अपने कंप्यूटर के साथ। जैसे ही आप कर देंगे वहां पर जो है iTunes का आपने सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन कर लेना, जैसे ही करेंगे, और उसके बाद फिर आपने आ जाना मेरे पास। जैसे ही आप मेरे पास आएंगे यहां पर आपने एक काम करना है, अपने मोबाइल फोन को iTunes के ऊपर लेकर जाने के लिए, जी हाँ। तो ऐसे में आपने सिंपली करना क्या, तो वॉल्यूम अप बटन जो है वो कुछ सेकंड दबाकर रिलीज कर देना, वॉल्यूम डाउन बटन जो है वो फिर दबाकर रिलीज कर देना, और पावर बटन को जो है वो दबा ही रखना। जी हाँ, जब तक जो है वो आपका मोबाइल फोन iTunes के ऊपर नहीं चले जाता तब तक आपने अपने मोबाइल फोन को जो है वो भाई पावर बटन दबा कर रखना है। जैसे ही आपका मोबाइल फोन iTunes के साथ कनेक्ट हो जाएगा वहां पर आपने सिंपली करना क्या है, अपने मोबाइल फोन को अपडेट करना है। उसके लिए आपने सिंपली करना क्या है, जैसे ही iTunes के साथ कनेक्ट करेंगे आपको वो पूछेंगे कि अपडेट करना चाहते हो कि रीस्टोर। आपने सिंपली जो है अपने मोबाइल फोन को, अगर चाहते हो कि भाई डाटा इसमें से जो है वो डिलीट ना हो, वापस रिकवर हो जाए वगैरह वगैरह, तो ऐसे में आपने सिंपली जो है वो अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपका मोबाइल फोन के लिए जो है वो जो भी iOS है 15 है जो भी है उसके लिए नया जो है वो भाई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल फोन जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपने देखना है कि आपका आईफोन जो है वो भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। लेकिन अगर आपको एक एरर जो है वो देखने को मिल जाता है कि भाई आपका मोबाइल फोन जो है वो अपडेट नहीं हो सकता, इसे रिस्टोर फैक्ट्री रिस्टोर ही करें, तो ऐसे में आपने सिंपली करना क्या है, तीसरे मेथड के ऊपर आ जाना। उसके लिए आपने फिर क्या करना है भैया जी, अपने मोबाइल फोन को जो है ना वो ऐसे प्लग आउट कर देना, ठीक है, सारा कुछ iTunes ओपन ही रहने देना। आपने सिंपली करना क्या भैया जी, फिर से अपने मोबाइल फोन को जो है वो प्लग इन करना, उसके बाद वही चीजें, यानी कि भाई वॉल्यूम अप बटन जो है वो 2 सेकंड दबाकर रिलीज करना है, वॉल्यूम डाउन बटन जो है वो 2 सेकंड दबाकर रिलीज करना है, और उसके बाद भैया जी पावर बटन को तब तक दबाए रखना है जब तक भैया जी आपका मोबाइल फोन iTunes के साथ कनेक्ट नहीं हो जाता। जैसे ही आपका मोबाइल फोन जो है वो iTunes के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपने सिंपली जो है पहले अपडेट किया था, इस दफा आपने जो है वो रिस्टोर करना। जैसे ही आप रिस्टोर, अगर तो भाई iCloud के ऊपर आपने बैकअप वगैरह बनाया हुआ था तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपली जो है अपने मोबाइल फोन को जो है वो रिस्टोर करें, फाइल जो है नया सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोडिंग मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद सिंपली आपने अपने मोबाइल फोन को रिस्टोर करना है, आपका मोबाइल फोन जो है वो भाई एप्पल लोगों से आगे चला जाएगा, यानी कि भाई सक्सेसफुली
सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप हाउ टू चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउ टू चैनल। मिलता है एक नई वीडियो में, अब तक ले जाता आप सब लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस।